हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिष्यग्राम। आज के इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर का केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ फ्यूल्स प्रिंसिपल्स। तो ये है केस स्टडी हमारे सामने। पैराग्राफ रीड करने से पहले मेन क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम। तो इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हुआ है, जिसकी वजह से प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। तो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। देन स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पढ़ा था हमने? चैप्टर नंबर 1 में। तो वो भी हाईलाइटेड है इस पैराग्राफ में, वो भी हमें ढूंढ के निकालने हैं। सो लेट्स रीड द पैरा। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर, को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो क्या बता रहा है हमें? एक स्कूल है आपका विद्यालय, विच बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि वो ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहता है बच्चों का। ठीक है, उसका एम क्या है यहाँ पे? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसके लिए दे आर ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट लाइन, ऑन इट्स फाउंडर्स डे अ स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप। तो उनके फाउंडर्स डे पे ऑब्वियसली हर स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहां पर भी एक स्टेज परफॉर्मेंस हुई। अ कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन। तो 10 प्रीफेक्ट्स को 10 अपॉइंट किया गया, 10 प्रीफेक्ट्स को, सो दैट दे ऑर्गेनाइज द होल फंक्शन। दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रिसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन। देर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर। ओके, तो ये जो 10 मेंबर्स थे हमारे, 10 प्रीफेक्ट्स की टीम तैयार की गई थी, दे हैड अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी एंड ऑल मेंबर्स वर सपोर्टिंग ईच अदर। देन विथ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस द प्रोग्राम वॉज सिस्टमैटिकली प्लान एंड एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से प्रोग्राम को प्लान किया गया और फिर फाइनली एग्जीक्यूट कराया गया। कार्तिक, वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, रियलाइज दैट अननोइंगली द ग्रुप हैड अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाइल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो कार्तिक ने ये रियलाइज किया कि जाने अनजाने उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन किया है। ओके, टू मेक द प्रोग्राम सक्सेसफुल। ही वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फंक्शन दैट ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस। सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल कि उसने अपने फादर को भी बोला कि लेट्स यूज दिस प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑल्सो, कि हम बिजनेस में भी उस सेम प्रिंसिपल को यूज करते हैं। नाउ सी, हिज फादर रिप्लाइड दैट ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग दिस प्रिंसिपल। तो अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहां से आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स सी, देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी। स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, ये कहाँ पे आता है? कौन से प्रिंसिपल में पढ़ा है हमने? स्पिरिट ऑफ यूनिटी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये हमने पढ़ा है इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स में। तो कौन सा प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे? स्पिरिट डी कॉप्स। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बींग डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ। अब हमें दो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। ओके, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर क्या था? परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, फंक्शन एंड इंटेंजिबल। तो इन सारी फीचर्स में से कौन सा फीचर मेंशनड है पैराग्राफ में, ये बताना है। ओके, तो इन द बिगनिंग में, एकदम बिगनिंग में, जस्ट सी, इट्स रिटन दैट आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेजेस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स मिक्स ऑफ
करिकुलर को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तो सी दे बिलीव्ड इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, इस गोल को, इस एम को अचीव करने के लिए वो करिकुलर को करिकुलर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते रहते थे. ओके, एंड ऑल्सो टू इनकरेज द फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट को इनकरेज करने के लिए भी वो ये सारी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते थे. तो क्या है यहाँ पे, इट्स गोल ओरिएंटेड है ना, एक गोल को माइंड में रख के एक्टिविटीज कराई जा रही थी. सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट, लास्ट में सी दिस बॉय कार्तिक, ही आस्क्ड हिज फादर टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस जो उसने अपने स्कूल में यूज किया था. ओके, जो अपने स्कूल के फंक्शन में यूज किया था, सेम प्रिंसिपल को उसने बोला कि अपने फादर को टू यूज इन हिज बिजनेस. तो दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड एट ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस है ना. वो स्कूल में भी अप्लाई हो सकता है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो सकता है ना. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई हो सकता है, नॉन बिजनेस में भी हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग में भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में भी हो सकता है. तो ये सब किस फीचर में आता है, दैट मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. ओके, सो दीज आर द टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द पैराग्राफ. कौन कौन से हैं, गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव. लेट्स सी द आंसर. आई हैव गिवन यू द हिंट्स. तो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स क्यों है, क्योंकि वहां पे दिया हुआ है हमें कि देयर वॉज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द मेंबर्स. तो इसलिए यहाँ पे स्पिरिट डी कॉप्स का प्रिंसिपल है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. क्यों, क्योंकि आपका विद्यालय वॉज ऑर्गेनाइजिंग करिकुलर को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टू डेवलप टीम स्पिरिट. एंड टीम स्पिरिट को डेवलप करने के लिए वो ये सारी चीजें कर रहे थे. ओके, तो देर वॉज अ गोल दैट हैड टू बी अचीव्ड. मैनेजमेंट इज परवेसिव क्यों, क्योंकि कार्तिक ने सेम प्रिंसिपल को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए बोला जो कि उसने स्कूल में अप्लाई किया था. ओके, सो दिस दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस केस स्टडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन.